गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित अनुराग ब्लॉग्स। दोस्तों, हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा रहती है, जो लोग जिम जाते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हमारा बॉडी जो है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी हैं उनके जैसा हमारा बॉडी बने। और उसी चाहत में कई लोग ओवर वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो आइए गूगल करके देखते हैं कि ओवर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या डिमेरिट्स हैं ओवर एक्सरसाइज करने के। आइए गूगल करके देखते हैं। वेबसाइट मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 स्कैरी साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ड्रॉप इन एनर्जी इफ़ यू हैव बीन मिसिंग द फैमिलियर हाई आफ्टर वर्किंग out or if you constantly feel physically and mentally tired, it may mean that your body is exhausted and needs a rest. अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि एनर्जी का लेवल कम है मेंटली और फिजिकली, तो हो सकता है आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो पुअर मेंटल हेल्थ। रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल Preventative medicine found that if you are exercising more than 7.5 hours a week, you could be prone to anxiety, depression, and poor mental health. An overstressed body could also lead to confusion, irritability, anger, and mood swing. इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप ज़्यादा exercise करते हैं तो आपका mental health poor हो सकता है, हो सकता है आपको anxiety होने लगे, आपको depression होने लगे, आप ओवर वर्कआउट के कारण आप कंफ्यूजन हो, आपको गुस्सा आए, आप इरिटेट हो जाए बहुत जल्दी, और आपका मूड स्विंग हो, आपका मूड चेंज होता रहे बार बार, इस तरह इन्होंने लिखा है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि स्लीपलेसनेस, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि वाइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज कैन रिलैक्स यू एंड कैन गिव यू अ नाइट ऑफ ब्लिसफुल स्लीप, टू मच एक्सरसाइज कैन have you tossing and turning all night due to restlessness and disrupted sleep. अगर आप कम एक्सरसाइज करते हैं या ठीक ठाक एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप करवट बदलते रहेंगे, हो सकता है आपको नींद ना आए, और नींद नहीं आने की वजह से बॉडी और वीक हो सकती है। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है aches and pains. When you don't give your muscles time to recover, it results in persistent soreness that can seriously hamper your everyday activity, besides making you feel lousy. अगर आप अपने muscles को relax करने के लिए, recover करने के लिए time नहीं देते हैं तो आपको pain होगा, और जो आप daily activities करते हैं, हर दिन का जो काम करते हैं, वो करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अगला इन्होंने ज़्यादा एक्सरसाइज करने का साइड इफेक्ट दिया है, वो है डार्क और रेडिश यूरिन। इफ़ यू नोटिस कलर चेंज इन योर यूरिन आफ्टर वर्कआउट, इट कुड सिग्नल अ कंडीशन कॉल्ड रैबडोमायोलाइसिस, वेयर सब्सटेंस फ्रॉम डैमेज्ड मसल्स टिश्यू लीक्स इनटू द ब्लड, दिस कुड ऑल्सो कॉज किडनी प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं एक्सरसाइज करते समय, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सब्सटेंस जो होते हैं डैमेज टिश्यू के, वो ब्लड में लीक होते हैं, और हो सकता है आप जब यूरिन करें तो यूरिन का जो कलर है वो रेडिश आने लगे, रेड कलर का यूरिन आने लगे। और आखिरी में इन्होंने दिया है हार्ट प्रॉब्लम, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट अटैक आता है, तो ये रीज़न इन्होंने दिया है। आइए पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। यस यू हर्ड राइट, रिसर्च बाय जर्मन साइंटिस्ट हैज़ फाउंड दैट दोज विथ एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज हु ओवरडू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आर एट द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। अनदर स्वीडिश स्टडी पब्लिश्ड ऑनलाइन इन जर्नल Heart found that those who do endurance exercise more than 5 times a week could develop an irregular heart rhythm when they
आर ओल्डर। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप मान लीजिए ऑलरेडी आप पहले से अगर हार्ट के पेशेंट हैं और आप ज़्यादा वजन वाला एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा प्रेशर डालते हैं अपने बॉडी के ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और ऐसा ही रिसेंटली देखा गया है, बहुत सारे लोग इवन सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा वर्कआउट करने के चलते उनको हार्ट अटैक आया। तो इससे और एक प्रॉब्लम आ सकती है और वो इन्होंने लिखा है कि इररेगुलर हार्ट रिदम। इसका मतलब यह है कि हमारा हार्ट जो है एक रिदम के साथ धड़कता है। अगर आप ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हार्ट हो सकता है जिस रिदम के साथ धड़कता है उसका रिदम खो दे और आपको प्रॉब्लम हो। तो ये कुछ रीज़न्स इन्होंने दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए फिट रहने के लिए और फिट फील करने के लिए, ना कि हमारी बॉडी दिखाने के लिए जो सिर्फ दिखने में अच्छी है और अंदर से स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए उतना ही एक्सरसाइज करें जितना ज़रूरी है और अपने बॉडी को रेस्ट भी दें, अपने मसल्स को रेस्ट भी दें। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम लिमिट में करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, चाहे वो एक्सरसाइज भी क्यों ना हो। अगर हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम देना चाहिए। तो अगर आप बॉलीवुड में या हॉलीवुड में मूवीज़ देखते हैं और जो हीरो होते हैं उनकी बॉडी को देख करके आपको लगता है कि आप तुरंत वैसी बॉडी बना लेंगे, तो वो तुरंत नहीं बनेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे बनेगा। और जो बॉडी वो बनाते हैं उनके पीछे उनके ट्रेनर होते हैं, डाइटिशियंस लोग होते हैं और डिसिप्लिन होता है, वो एक दिन में नहीं होता है। इसीलिए पेशेंस के साथ रेस्ट दे करके एक्सरसाइज करें, ओवर एक्सरसाइज ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।